हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। ये क्वेश्चन कल अपना रहिंदा सी। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, पहला आप एक एग्जाम्पल करांगे। इस एग्जाम्पल तो थोनू ये वाला क्वेश्चन होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा, ठीक है। सो इस एग्जाम्पल में सब तो पहला आप एक ए पी ले लेने हैं, दैट इज 1, 3, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। 1, 3 मैं सिंपल जी ले ली, जितने थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाए। 5, 7 सोन अप टू, ठीक है। हूँ ए ए पी की फस्ट टर्म आ, दैट इज़ ए 1, ए 2, ए 3, दिस इज ए 4। जोड़ा क्वेश्चन नंबर 11 आ, ये थोनों सम गिवन होएगा, ठीक है। तो तुसी ए टर्म्स फाइंड करनी होंगी, ठीक है। तो सो हूँ मैं थोनों दसदी हाँ सम करके फस्ट टर्म का, सैकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, ठीक है। फिर आप किवें टर्म्स फाइंड करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया। तो देखो हूँ जे मैं S1 फाइंड करना, S1 का मतलब की हो गया सम ऑफ फस्ट टर्म, ठीक है। फस्ट टर्म का सम की होएगा, ओनली 1 ही होएगा ना, कुछ और तो ऐड होना नहीं ये, क्लीयर। तो पहली चीज़ यह है भी जोड़ा ए है वह हमेशा कि इक्वल हों S1 के, ठीक है। हुण अगे आपां करदे आ सम ऑफ फस्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फस्ट टू टर्म्स मतलब पहलियां जिहड़ियां दो टर्म्स आ ए पी दियां, इहदा सम कर दो, की आ गया तुहाडे कोल 4, ठीक है। तो इहनूं आपां की लिख दिंदे आ S2, ठीक है। S2 किन्ना आ गया 4, क्लीयर। हुण जिहड़ा S2 है किवें आया, A1 + A2 करके। हुण देखो जदों थोड़े कोल S2 आ गया, S1 आ गया, ठीक है। मान लो थोड़े कोल AP नहीं हैगी गिवन, ठीक है। तुसी A2 फाइंड करनी है, ठीक है। एक वन फस्ट टर्म का सम 1 आ, फस्ट टू टर्म्स का सम 4 आ। तो तुसी A2 फाइंड करना तो किवें करोगे। हुण देखो फस्ट टर्म का सम ते फस्ट टर्म ये तो दोनों इक्वली हुंदे आ, ठीक है। तो पहलिया दो टर्म्स नू जे मैं ऐड किया 1, 3, ठीक है। फस्ट टर्म का सम तो 1 ही है, पहलिया दोनों टर्म्स नू ऐड करके की आ गया अपना 4। हुण जे मैं मान लो दूजी टर्म फाइंड करनी चाहवा, ठीक है, तो यह टर्म किवें आएगी अपने को, 4 - 1 करके आ जाएगी 3। मतलब की है भी जे आप सैकेंड टर्म फाइंड करनी आ, तो आप की करांगे जिहड़ा S2 आ, पहलिया दो टर्म्स का सम अपने कोल, ठीक है, 4, उहदे विचों आपां फस्ट टर्म का सम की कर दांगे माइनस, ठीक है। तो इत्थे 4 - 1 करके की आ जूगा 3। ऑलराइट, नैक्सट S3 फाइंड करो। S3 का मतलब की होगा सम ऑफ फस्ट 3 टर्म्स। तो यह आ जाएगा थोड़े कोल 1 + 3 + 5, ठीक है। 1 + 3 = 4, 4 + 5 = 9। हुण जे तुसी A3 फाइंड करनी होवे तां किवें करोगे, ठीक है। जे तुसी 9 विच, हुण देखो A3 अपनी 5 आ, है ना, ते जे S3 तो बाद तुसी A3 फाइंड करनी है तां की करोगे, 9 दे विचों, ठीक है। हुण देखो 1, 3, 5 तिन्नां दा सम की आ गया 9, ठीक है। पहलियां दोनों का सम की सीगा 4। हुण जे तुसी थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो किवें करोगे, 9 - 4 नूं की कर दोगे माइनस, दैट इज 5। ऑल राइट, आ गई ना थर्ड टर्म। तो इट मीनस 9 - 4 = 5, क्लीयर। हुण ये चीज किवें बन रही है, देखो 9 की सीगा अपना S3 ते 4 की सीगा अपना S2। तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया, देखो इत्थे भी जदों तुसी A2 फाइंड की थी, 4 की सीगा थोड़ा S2 ते 1 की सीगा थोड़ा S1। ता इट मीनस जे तुसी A3 फाइंड करनी सी ता थोनू S2 - S1 कीता, जे तुसी A2 फाइंड की थी, सॉरी S3 - S2 कीता, जे तुसी A2 फाइंड की थी ता तुसी S2 - S1 कीता, क्लीयर। ता सिमिलरली तुसी कोई भी टर्म फाइंड करनी होवे, जे मान लो तुसी 9th टर्म फाइंड करनी है तो उहदे लई तुहानू की चाहिदा, पहला S9 चाहिदा ते S8 चाहिदा। तो किवें आ जाएगी फिर टर्म S9 - S8,
8। क्लीयर, ये फॉर्मूला तुसी इहदे विच याद रखना, यही इहदे विच अप्लाई हो रहा। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया अपना। ठीक है, अगर ए टू फाइंड करनी है तो पहलियां टू टर्म्स का सम माइनस ए तो एक माइनस, जिवें पहलियां टू टर्म्स का सम आ, तो इत्थे की आ जाएगा एस वन। ए नाइन फाइंड करनी है, एस नाइन माइनस एस एट। इवें तुसी अगर ए फिफ्टीन फाइंड करना तो की आ जाएगा एस फिफ्टीन माइनस एस फोर्टीन। मतलब आ दोनों थोड़े कोल होने जरूरी है। सेम यही क्वेश्चन है इत्थे, हुण तुहानू सम गिवन हो ते तुसी टर्म्स फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ फस्ट एन टर्म्स, हुण की गिवन है तुहानू एस एन, सम ऑफ फस्ट एन टर्म्स इज फोर एन माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, वट इज़ द फस्ट टर्म दैट इज एस वन। ठीक है, जो चीज़ मैं थोनों दसी सी उही उन्हें गिवन च देती आपां, कि जिहड़ी फस्ट टर्म आ किहदे कोल हुंदी आ एस वन दे। ठीक है, तो हुण देखो एस वन किवें कढोंगे, पुट कर दो एन नू वन, तो की आ जाएगा थोड़े कोल एस वन। ठीक है, एस वन फोर, एन की जगह पर वन पुट किया, वन का स्क्वेयर, तो फोर माइनस वन की आ जाएगा थ्री। ठीक है, तो यही अपनी की आ गई फस्ट टर्म। ठीक है, ए भी की आ थ्री। क्लीयर, जो फस्ट चीज़ आप फाइंड करनी सी वो आ गई। नैक्सट, वट इज़ द सम ऑफ फस्ट टू टर्म्स, वट इज़ द सैकेंड टर्म। इतने मैं थोड़ा दसिया सी ना कि जे तुसी ए नाइन फाइंड करना तो पहला थोड़े कोल एस नाइन ते एस एट होने चाहिए आ। इसलिए उन्हें सैकेंड टर्म फाइंड करन तो पहला थोनू की कहा कि वट इज़ द सम ऑफ फस्ट टू टर्म्स। ठीक है, सैकेंड टर्म फाइंड करन तो पहला थोनू एस टू पता होना चाहिए। तो देखो फिर एस टू किवें आएगा, पुट एन इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो एन की जगह पर इतने टू पुट कर दोगे, फोर एन की जगह पर टू माइनस टू का स्केयर, फोर इंटू टू एट, टू का स्केयर फोर, तो एस टू की आ गया फोर। क्लीयर, हुण एस टू आ गया तो ए टू की हुंदा वा, एस टू माइनस एस वन। एस टू भी हैगा, एस वन भी हैगा थोड़े कोल। ठीक है, एस टू फोर आ, एस वन की आ थ्री, तो इट मीनस थोड़ी सैकेंड टर्म की आ गई वन। ठीक है, ए टू की आ गई वन, एस टू की आया सी थोड़ा फोर। ऑल राइट, नैक्सट, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड द एंथ टर्म। हुण देखो तुसी थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो मतलब तुसी ए थ्री फाइंड करनी है। ए थ्री लिए थोड़े कोल की होना चाहिए, एस थ्री माइनस एस टू। ठीक है, एस टू तो हुण अपने कोल हैगा ही आ, तो एस थ्री फाइंड करना पऊगा। तो की करोंगे, पुट कर दो एन नू थ्री इत्थे, एस थ्री की आ जाएगा फोर इंटू थ्री माइनस थ्री का स्केयर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, थ्री का स्केयर की आ गया नाइन। ठीक है, तो एस थ्री की आ गया ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री। ऑल राइट, तो ए थ्री की आ जाएगी, एस थ्री इज थ्री, एस टू इज फोर, तो ए थ्री आ गई थोड़ी माइनस वन। ठीक है, नैक्सट टेंथ टर्म फाइंड करनी है, मैं नहीं करवाऊंगी, तुसी खुद करोगे। ठीक है, फिर थोनू करोगे तो पता लगेगा। तो जदों देखो तुसी एस टेन सॉरी टेंथ टर्म फाइंड करनी है तो इट मीनस थोनू ए टेन लई की चाहिए एस टेन माइनस एस नाइन। क्लीयर, तो पहला तुसी एन नू इत्थे नाइन पुट करियो तो थोड़े कोल एस नाइन आएगा। ठीक है, फिर तुसी एन नू टेन पुट करोगे तो एस टेन आएगा। क्लीयर, ये तुसी खुद करना, फिर एस टेन माइनस एस नाइन करोगे तो थोड़े कोल ए टेन आ जाए। नैक्सट, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, थर्ड टर्म आप फाइंड कर चुके हैं, टेंथ एंड एंथ टर्म। ठीक है, हुण एंथ टर्म फाइंड करनी है, ये मैं दसती हूँ थोनू किवें करांगी। हुण देखो ये चीज़ समझनी पहला बहुत जरूरी है कि जे तुसी ए एन फाइंड करनी है, एंथ टर्म की होंगी है ए एन, तो हुण इहदा फॉर्मूला की बनूगा। ठीक है, आ तो आप बना लिया भी जे एस टेन फाइंड ए ना टेन फाइंड करना तो एस टेन माइनस एस नाइन करता। ठीक है, एस थ्री फाइंड करना, ए थ्री फाइंड करना सी तो एस थ्री माइनस ए एस टू करता। तो हुण जे आप ए एन फाइंड करना तो की आऊगा, देखो जे इतने फिफ्टीन है, इतने की आ गया फिफ्टीन सेम, तो इट मीनस इतने की आ जू एस एन माइनस, इतने हुण की आएगा एस एन माइनस
वन। ये क्यों आया? देखो जे तुसी एस टेन फाइंड करते हैं, सॉरी ए टेन फाइंड करते हैं, वह की हुंदा एस टेन माइनस एस नाइन। हुण इत्थे एस नाइन का मतलब की हुंदा, एस टेन माइनस वन मतलब टेन तो एक माइनस। तो सिमिलरली जे तुसी ए एन फाइंड करना तो की होगा एस एन माइनस वन। ठीक है, टेन तो प्रीवियस वाली टर्म ही आती है ना इत्थे नाइन, तो सिमिलरली एन तो प्रीवियस वाली टर्म की होगी एन माइनस वन। तो हुण देखो बच्चे एस एन तो ऑलरेडी थोनू गिवन है ये, ठीक है, तो ए एन फाइंड करने लई थोनू पहला की फाइंड करना पवेगा एस एन माइनस वन। ठीक है, तो सो आप सब तो पहला एस एन माइनस वन फाइंड करांगे। हुण देखो जे मैं इत्थे एस फोर फाइंड करना सी टेन की जगह ते की पुट करता सी फोर। सिमिलरली जे मैं हुण एन एस एन माइनस वन फाइंड करना तो जिथे भी थोड़े कोल एन पई है, ठीक है, ये तो तुसी उत्थे की पुट कर देना एन माइनस वन। ठीक है, तो की आ जाएगा फोर एन सीगा, तो आ जाएगा फोर एन माइनस वन। ठीक है, माइनस एन स्क्वेयर सीगा, तो आ जाएगा एन माइनस वन का स्क्वेयर। एस एन माइनस वन फाइंड कर रहे हैं, फोर नू एन ना करोंगे फोर एन, फोर नू वन ना करोंगे माइनस फोर। हुण इत्थे एन माइनस वन का होल स्क्वेयर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी। फोर एन माइनस फोर जिहड़ा माइनस आ जदों अंदर जाएगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, वन का स्क्वेयर वन ही हुंदा, ये माइनस माइनस की आ जाएगा प्लस का टू एन। ठीक है, तो एस एन माइनस वन देखो की आएगा माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, फोर एन प्लस टू एन, एन वाले च एन वाला ऐड करांगे तो की आ जाएगा सिक्स एन। कॉन्सटेंट विच कॉन्सटेंट ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन का दा रहेगा माइनस का, तो यह आ गया थोड़े कोल एस एन माइनस वन। ठीक है, हुण आपां फाइंड की करना ए एन। ठीक है, चलो मैं इत्थे कर दिनी हाँ। ए एन की आएगा, एस एन की सीगा अपना फोर एन माइनस एन स्क्वेयर, फोर एन माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, माइनस एस एन माइनस वन की आया अपना, ब्रैकेट पानी नहीं भुलनी, जे नहीं पा रहे तो माइनस जरूर चेंज कर दियो, माइनस एन स्क्वेयर प्लस सिक्स एन माइनस फाइव। ठीक है, तो देखो ए एन की आंदा फोर एन माइनस एन स्क्वेयर, आ माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस एन स्क्वेयर, माइनस सिक्स एन माइनस माइनस प्लस फाइव, एन स्क्वेयर एन स्क्वेयर खत्म। तो ए एन की आ जाएगा फोर एन माइनस सिक्स एन माइनस टू एन प्लस फाइव।